हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से काजू कतली। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 250 ग्राम काजू। काजू आप टूटा या साबुत कैसा भी ले सकते हैं। आपको चाहिए 200 ग्राम चीनी। फिर आपको चाहिए 100 ग्राम मिल्क पाउडर। अब हम काजू को साफ कर लेंगे और एक ग्राइंडर में डालकर इसका हमें पाउडर बनाना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पर आपको याद रहे कि मिक्सी आपको एक साथ नहीं चलानी, रुक रुक के चलानी है। चलाए रुके, चलाए रुके, देखें। आप इसे बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यूसली चला देंगे तो आपका पाउडर थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी पाउडरी है, हमें बस इतना ही चाहिए था। अब हम इसे छान लेंगे। अब जो ये हमारे मोटे वाले गैनोज रह गए हैं और हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर। आपको ध्यान देना है कि हमें इस स्टेप को स्किप नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले ही मिल्क पाउडर मिला लें। आप अगर आंच पे रखने के बाद मिलाएंगे तो वो स्टिकी हो जाएगा, पैन में नीचे चिपक सकता है। अब हम पैन लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 बड़े चम्मच पानी, या 1/4 कप कह सकते हैं आप। अब हम इसे चीनी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से, और हमें चीनी को जब तक मेल्ट करना है जब तक इसमें थोड़े थोड़े बबल्स निकल जाएं या एक तार की चाशनी ना बन जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी मेरी चीनी में तार नहीं बना है। अब मैं इसे थोड़ा और पकाऊंगी। अब मेरी चीनी को हम फिर चेक करते हैं। आप देखेंगे आप इसमें एक तार की चाशनी बनने लगी है। ये ठीक है, हमें यही चाहिए थी। अब हम इसमें डालेंगे अपना काजू का और मिल्क पाउडर का जो हमने मिश्रण रखा था वो। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, हमें रुकना बिल्कुल नहीं है। और ध्यान रहे इस टाइम आपकी गैस की जो फ्लेम है वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है। अब आप इसे कंटिन्यूसली स्टर कीजिए। आप देखेंगे ये पैन की साइड्स छोड़ने लगा है और ये हमें इकट्ठा एक डो की तरह दिखने लगेगा। बस अब आपको अपनी फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज ना हो, नहीं तो आपका बैटर जो है उसमें चिपक सकता है, आपका डो जल सकता है। अब आप देख रहे हैं ये हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, मैंने इसे एक प्लेट में ठंडा कर लिया है। अब मैं ये ले रही हूँ एक प्लास्टिक की शीट, जो कि आपको कहीं भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। इसे मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा डो इस पे चिपके नहीं। ध्यान रहे डो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, अगर वो गर्म होगा तो प्लास्टिक पे चिपक सकता है या प्लास्टिक मेल्ट भी हो सकती है। अब मैं इसे ऐसे कॉर्नर से पकड़ के नीट करूंगी और एक स्मूथ सा डो बना लूंगी, जिससे हमारी जब बर्फी हम बेलेंगे तो वो बहुत अच्छे से आएगी निकल के। अब आप इसे फ्लैट करेंगे और ऊपर से पन्नी कवर करके इसे बेल लें। आपको आपकी काजू कतली की जो मोटाई या थिकनेस रखनी है वो आपके ऊपर है, आप कितनी रखें। मुझे नॉर्मल पसंद है तो मैं ये रख रही हूं। बाकी आप देखें, ये मेरे पास एक चांदी का वर्क है, मैं ये लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये बहुत ही डेलिकेट होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ये वर्क लगा दिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रखती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है। अब तेज धार वाले चाकू की मदद से मैं इसके पीसेस काट लूंगी।
देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी बस ऐसे ही करना है। देखिए आप जैसे मैं इसमें वीडियो में कैसे कट कर रही हूँ, आपको ऐसे ही अपने लिए बर्फी के पीसेस कट करने हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी काजू कतली बनके तैयार है। इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आई है, ये बिल्कुल कितनी देखने में अच्छी लग रही है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये तोड़ने में भी बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल है, जैसी हम बाहर से लाते हैं खाते हैं। और देखिए कितनी मॉइस्ट है, इसमें ग्रैनुल्स भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी काजू कतली बनके तैयार है। धन्यवाद।